संसार में कोई भी मनुष्य कष्ट में नहीं रहना चाहता, ना ही कष्ट के साथ रहना चाहता। कष्ट का मतलब व्यक्ति की असफलता से है। अगर कोई इक्का दुक्का है भी तो वह ज्यादा दिन के लिए नहीं, और यह भी निश्चित है कि वह कष्ट के साथ अगर है तो यह उसकी कोई मजबूरी है, वरना हर व्यक्ति सुख के लिए ही लालायित है। यहाँ हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफलता का ही हाथ पकड़ना चाहता है। इसके लिए उसे जो भी करना पड़ता है करता है। अब अगर तुम आज किन्हीं कारणों से असफलता के दौर से गुजर रहे हो, तुम्हारे अपने सफल समय के साथी तुमसे कटने लगे, तो मन को शांत रखकर स्वयं सफलता के साधन इकट्ठा करना। अपना रोना कभी किसी के सामने मत रोना, नहीं तुम्हारी असफलता जानकर कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारे सफल समय में तुमसे जो कुछ गलत निर्णय हुए उनका ताना देकर तुम्हें समझाना शुरू कर देंगे और मदद के नाम पर अपने हाथ खड़े कर लेंगे, जो तुम्हें और भी कष्ट दे देगा और लोगों से तुम्हें घृणा होने लगेगी। संसार के सारे संबंध तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक तुम उन संबंधों के दायित्व का निर्वहन करते हो, और संबंधों के दायित्व का निर्वहन तुम तभी कर पाओगे जब तुम सफल होगे या तुम सुखी होगे। असफल व्यक्ति या कष्ट में फंसा व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन कभी कर ही नहीं पाता। यही कारण है तुम्हारे संबंधी अपना स्वार्थ सिद्ध होता न जानकर तुमसे किनारे हो गए, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई मदद नहीं दे रहा, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा। यहाँ हर व्यक्ति कुछ करने के पहले उसके बाद क्या परिणाम होना है यह सोचकर कार्य करता है। अगर बदले में उसे कुछ लाभ मिलता दिखाई नहीं देता तो स्वयं तुम्हारा मददगार बन जाता, परंतु मिलता ना दिखाई देने पर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बात तक सुनने में कतराने लगेगा। उसे लगता है कहीं कुछ मांग न लो, इसलिए तुम इन सभी संबंधों की सत्यता को जानकर स्वतंत्र रूप से अपनी सफलता की सीढ़ी खोजो। जिस दिन तुम उस पर चढ़ना प्रारंभ कर दोगे, हजारों हाथ तुम्हारी मदद को अपने आप आगे आने लगेंगे। तुम्हारा कोई मददगार नहीं तो तुम्हारा अपना दोष है। तुम अपने को लोगों की नजरों में नकारा बना दिया, जबकि तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, पर नकारा बनाकर तुम लोगों से सहारा नहीं पा सकते। तुम पहले अपने आप को उस रास्ते तक लाओ, उस रास्ते पर पहुंचाओ जिस राह को संसार का हर व्यक्ति खोज रहा है। जिस दिन तुम उस जगह पहुंच जाओगे, तुम्हारे पीछे भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि वह सब भी उसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं जिस मंजिल की राह तुमने खोजा, और वह मंजिल सफलता रहा।